Subscribe now and press the bell icon. Never miss update. नमस्कार सभी को। जैसा आप देख सकते हो ये फार्म ट्रैक चैम्पियन है 4F प्लस टाटा स्मार्ट। इसका आज मैं कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा, आपको पता चल गया हो कौन से ट्रैक्टर के साथ है, महिंद्रा 575। तो जैसा आप देख सकते हो उस ट्रैक्टर का बनाने का एक ही मकसद है, महिंद्रा को आदमी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं। फार्म ट्रैक की कम फैन फॉलोइंग है इसकी बहुत है, लेकिन ज़्यादा रिकमेंड उसे ही करते हैं हमारे स्टेट में, खासकर मेरठ के अंदर, यूपी मेरठ के अंदर। तो जैसे देख सकते हो ये 45 HP ट्रैक्टर है, ठीक है, और इसमें ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिलता है और एडजस्टेबल जो उसका एक्सल है। ड्यूल एक्टिंग का मतलब आप पता ही है, दोनों साइड होती है इसकी रोड, जो फार्म ट्रैक की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है। फार्म ट्रैक सभी कंपनी में, छोटे छोटे ट्रैक्टर में यही टेक्नोलॉजी देता है, सभी में देता है। देख सकते हो ये 3510 cc का इंजन है इसका, 45 HP देता है पूरी पावर, इनलाइन 3 सिलेंडर पंप है। और जैसे देख सकते हो ऑयल भी डिस्प्ले मिलता है इसके अंदर, 20 साल से भी ज़्यादा कंपनी को एक्सपीरियंस हो चुका है। दूसरे देश में कंपनी को ट्रैक्टर एक्सपोर्ट करता है, 54 देशों में करती है। 600 वाले टायर मिलते हैं आगे वाले, इसके पीछे वाले 13 और 28 टायर मिलते हैं। साइड में बैटरी मिलती है इसकी, इधर इसमें डुअल क्लिच मिलता है ट्रैक्टर के अंदर, और देख सकते हो इसमें LED लाइट मिलेगी, जो इनके बड़े बड़े ट्रैक्टर मिलता है, जिसको मरगार्ड है वो काफ़ी यूनिक दिया है। और इसमें देख सकते हो हैंडल भी पकड़ के चढ़ने का है, ग्रैब हैंडल, और डुअल क्लिच ट्रैक्टर मिलता है। 1800 किलो की लिफ्टिंग कैपेसिटी है इसकी, ठीक है ना, और इसका मीटर डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों मिलेगा। पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर होता है, 4 गियर फॉरवर्ड 1 गियर रिवर्स के साथ। ये देख सकते हो इसमें डबल पंप मिलता है पावर स्टीयरिंग का, एक हाइड्रोलिक पंप, ये इसका हाइड्रोलिक का जो फिल्टर होता है। इधर साइड में बैटरी मिलती है इसकी, जैसा आप देख सकते हो इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी, और इसके अंदर मल्टी स्पीड ब्रेकर मिलती है ट्रैक्टर में, और एक इसमें एक्सोलरी वाल्व भी मिलेगा लाल कलर का, आप देख सकते हो, और इसमें ऑयल इंपिक डिस्क ब्रेक मिलते हैं, देख सकते हो आप। और इसके अंदर जो टूल गेज मिलता है लोहे का मिलता है, ना कि फाइबर का, 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी होती है इसके अंदर, और इसका LED लाइट मिलती है इसमें, ठीक है ना। ऑयल इंपिक डिस्क ब्रेक होता है, काफ़ी मजबूत एक्सल होता है पीछे इसका, मल्टी स्पीड ब्रेकर होती है, और इसके दोनों तरफ हैंडल मिलेगा आपको, काफ़ी छोटे छोटे मरगाट हैं जहाँ पर सवारी को बैठा सकते हो। और ये देख सकते हो इधर इसमें आई केयर बटन मिलता है, जो इनकी सभी सीरीज मारा 24 घंटे के अंदर, ये 7 सेकंड का बटन दबा कर रखिए, कंपनी आपको फ़ोन करेगी और इंजीनियर 24 घंटे के अंदर आपकी समस्या को सॉल्व करने जरूर आए घर पर, या आपको फ़ोन पर ही बता देगा क्या कमी है, क्या कर सकते हो आप इस ट्रैक्टर के साथ, ठीक है ना। तो इसकी देख सकते हो PTO पावर जो है इसकी 29.2 है, PTO की जो हॉर्स पावर है, और काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर में आपको कुछ रुपए मंदा ही मिल जाएगा, मैं आपको प्राइस दोनों ट्रैक्टर में कोई से नहीं खोलूँगा, इसकी भी डीजल खपत उसकी भी डीजल खपत बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। इसकी हो सकता है वो खींच थोड़ी सी अच्छी हो महिंद्रा के अकॉर्डिंग तो, लेकिन उस ट्रैक्टर को ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं आप मुझे कमेंट में बताइए, और आपको ट्रैक्टर कौन सा अच्छा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना, आप कौन सा लेना पसंद करोगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, मेरे चैनल पहले सब्सक्राइब जरूर करना। आइए दूसरे ट्रैक्टर को देखते हैं, ये भी 4500 horsepower ट्रैक्टर आता है, बोस का इनलाइन 4 सिलेंडर ट्रैक्टर होता है। 4500 horsepower में महिंद्रा का ही शायद मुझे लगता है जो 4 सिलेंडर ट्रैक्टर आता है, नहीं तो ज़्यादातर सभी कंपनी 3 सिलेंडर ट्रैक्टर देती है, और एक उसका भी आता है कुबोटा का 4 सिलेंडर, नहीं तो सभी कंपनी 3 सिलेंडर ट्रैक्टर देती है 4500 horsepower में। इसमें सीएट के 616 का टायर मिलते हैं आगे वाले, उसमें पावर स्टिंग नॉन पावर स्टिंग दोनों में अवेलेबल हो जाएगा ट्रैक्टर ये। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, इसमें 35,000 रुपये का डिस्काउंट चल रहा अभी, ठीक है ना, आप इस वीडियो को देख लेना नीचे टाइम डेट, कभी आपसे 1 साल बाद पूछो तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो सिंगल क्लिच में ट्रैक्टर आता है, सिंगल में भी आता है और डबल में, ये डबल में भी आता है सिंगल में भी आता है ट्रैक्टर। तो इसमें 4 गियर फॉरवर्ड 1 गियर रिवर्स मिलता है, PCM गियर बॉक्स, और इसके अंदर PCM गियर बॉक्स कर दिया। PCM का जो फायदा होता है, आप ट्रैक्टर पहले के अकॉर्डिंग बहुत कम आवाज़ करता है, स्मूथ गियर हो गया बहुत ज़्यादा, अब आपको पहले घड़ा होते नीचे आवाज़ आती वो ख़त्म कर दी कंपनी ने। और क्या है MKM इसका जो मतलब माइलेज कम होता है ना, कम से कम ज़्यादा ज़्यादा माइलेज देता है, डीजल कम खपत करता है उसके लो होता है, इस ट्रैक्टर पे महिंद्रा MKM लिख देगा और समझ लो डीजल कम खाता है। इसके अंदर डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर मिलता है 2500 RPM के साथ, ठीक है, और इसके लिए हाई लो साइड में दिया है, PTO का जो गियर आता है इधर मिल जाता है, और ये सिंगल क्लिच खड़ा है, ये सिंगल क्लिच है। तो इसके अंदर 13-28 के टायर मिलते हैं पीछे वाले, और इसकी डिलक्स सीट तो नहीं मिलती, लेकिन हाँ काफ़ी आरामदायक सीट है, आगे पीछे ऊपर नीचे खूब कर सकते हो आप, इसमें पावर स्टिंग नॉन पावर स्टिंग दोनों मिल जाएंगे। और इसका देख सकते हो मड गार्ड बहुत छोड़े हैं, इसमें बैठने की
जो दूसरे पिनियल की जगह होती है बहुत ज़्यादा आरामदायक सीट मिलती है। आप देख सकते हो कितने छोटे मरघाट होते हैं, पीछे दोनों साइड हुक भी मिलते हैं आपको, अलग से लगवाने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा ये पीछे देख लेते हैं इस ट्रैक्टर को, क्या क्या मिल जाता है पीछे की ओर भी। इसमें गुडियर के टायर मिलते हैं और उसके अंदर जो आपको हीच वीच भी अलग से लगाना होगा, और उसका जो अंदर जो आपको जो टूल बॉक्स मिलता है वो फाइबर का मिलेगा, फाइबर का ही है। तो जैसा आप देख सकते हो उसकी सीट इतनी पीछे हो जाती है कि शायद किसी ट्रैक्टर की इतनी सीट पीछे होगी। और इसके अंदर जो पीटो मिलेगी वो सिंगल मिलेगी, डबल पीटो नहीं आती, सिंगल पीटो ट्रैक्टर आता है। तो ये डिफरेंट है, ठीक है ना। और डबल क्लच में डबल पीटो मिल जाएगी, सिंगल क्लच में सिंगल पीटो मिलेगी। तो इसमें भी देख सकते हो आप रात के लिए हैलोजन हेडलैम्प मिल जाती है। और इसकी जरा सीट भाई पीछे करना, देखना कितनी सीट पीछे हो जाती है। वाटर बॉटल कैरी करने के, हाँ वाटर बॉटल कैरी कर सकते हो आप। इसमें देख सकते हो ये सीट इतनी पीछे हो जाएगी कि लगभग 6.5 फुट का आदमी भी इतना आराम से ट्रैक्टर चलाएगा कि बस क्या पूछो। देख सकते हो आप कितना गैप है, शायद इतना गैप अगर किसी भी ऐसे फ्लैट होता प्लेटफॉर्म तो आप इसमें 2 बोरी भी रख सकते थे बीच में, इतनी जगह मिल जाएगी आराम से। तो इसे सीट को कितनी पीछे कर सकते हो कितने आगे। इसके अंदर पीछे डीसी गियर लिफ्ट बॉक्स भी मिल जाते हैं इधर। और इसके अंदर 35,000 रुपये का जो कंपनी ने डिस्काउंट कर रखा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और आपको ऑयल ब्रेक की सेपरेट असम्बली आ रही है अब इसके अंदर, बिल्कुल अब इसकी ऑयल ब्रेक जो आती है ना वो सेपरेट असम्बली होगी। कुछ इसमें दिखा रखा है, देखो ये जैसे दिखा रखा है इसमें 575 ट्रैक्टर अब PCM गियर बॉक्स के साथ है। ये गियर बॉक्स दिखा रखा है इसका ट्रैक्टर का, पहले ज़्यादा गियर बॉक्स आरामदायक है इसकी, देख सकते हो नीचे तक इसके ये इन्होंने मतलब मेंशन कर रखा है यहाँ पे, पूरा बैनर लगा रखा है 575 के अंदर। पहले जो थोड़ी सी आवाज़ थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी। और इसके अंदर और ट्रैक्टर की इसके अंदर बैटरी मिल जाती है, ट्रैक्टर महिंद्रा एक्सल तो ज़्यादा कोई ट्रैक्टर नहीं भागता इसमें, कोई शक वाली बात नहीं है। वो टाइप इसमें एक्सल मिलेगा आपको, इसका एडजस्टेबल नहीं होता पर वो टाइप मिल जाता है, टाइप मिल जाता है। इससे क्या होता है इसकी थोड़ा हाइट पे फर्क पड़ता है और काट ज़्यादा मिल जाती है, ट्रैक्टरी काट ज़्यादा मिलती है। तो इसमें ट्रैक्टरी काट ज़्यादा मिलेगी और इसमें एक्सल में आपको बेनिफिट मिल जाता है। और आगे वेट लगा हुआ मिलता है, लगभग कितने किलो का वेट होगा भाई? वेट 50 किलो, 50 किलो का वेट मिलेगा, जिससे कि ट्रैक्टर का आपको बैलेंस और उठने में कम से कम उठेगा और बैलेंस बनाकर रखेगा ट्रैक्टर। तो इस ट्रैक्टर में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट में बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, मेरे चैनल पहले सब्सक्राइब जरूर।